एक्सरसाइज आपकी 4 पॉइंट जो 2 थी उसका मैं आंसर्स आपको मेंशन कर देती हूँ, इसकी मैं पिक भी आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये 4.2 के आंसर्स हैं और इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी। जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, सम्स दिए थे आपको, सॉरी, वो है, तो ये मैं आपकी पिक आपको सेंड करूँगी, ठीक है। नाउ द एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट दैट इज़ इन सिंपल, आपको पता है किस तरह से इनको ऐड करना है। ये आप मत पूछेगा मैम इसको किस तरह से ऐड करना है, यू नो वेरी वेल, ऐड करते चलना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन, देयर आर 3 रोज, है ना, 3 रोज है ना डिजिट्स में, एंड 4 डिजिट पर रो में 4 डिजिट्स हैं, हम तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें, क्योंकि ऑलरेडी आप ये वाला रो कर चुके हो, 4.2 की एक्सरसाइज में ये 3 डिजिट्स के हम कर चुके हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़ है। एक हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, हमेशा जब भी सॉल्व करो तो बिग डिजिट से स्मॉल, फिर उससे स्मॉल करो, तो 4 + 5 + 4, तो 5 के बाद 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, तो 1 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 6 6, तो 9 आफ्टर 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 6 आ गई, 15 15 16 17 18, तो 18, 2 + 1 3 + 1 4, स्पीड में करने की कोशिश करिए, 4 + 4, तो 4 1 = 4 4 2 = 8, क्योंकि 4 4 है ना, तो 8 8 + 3 8 के बाद 9 10 11 11 आ गया, ठीक है, तो इस तरह से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द सम, अब आपको फाइंड करने हैं, सेम एज इट इज, देयर इज नो डिफरेंस। बैक में भी देखिए, 2 एक्सरसाइज 4.3 में भी फाइंड द सम्स थे, जिसको हमने 2 डिजिट्स में सॉल्व किया था, लास्ट की डिजिट 3 से रिलेटेड थी, 3 रोज। अब सेम आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये आप कर लोगे, दिस इज नॉट टू हार्ड। चलिए एक हम आपको करके देते हैं। अब इस पे आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑल आर शोज इन 1000, ये क्या है, 4 डिजिट्स आ रही, 1000 1s 10s 100 1000 1s 10s 100 1000, बट इन दिस साइड 1s 10s और 100 केवल 3 को दे रहे हैं, तो हम कैसे मेंशन करेंगे। जब कभी ऐसे डिजिट्स हो तो हमेशा इसको हमें इजीली सॉल्व करने के लिए ऊपर डिजिट को ऐसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके बाद हम डिजिट लिखेंगे, तो 6374, नेक्स्ट है 2189, और नेक्स्ट क्या है 121, तो 121, कभी सिंगल डिजिट नहीं बोलते। अगर आप 2189 करोगे तो कभी भी सही नहीं करोगे, आप 2000 बोलोगे तो 2000 में आएगा, 100 में आया, 89 टेंस ऑफ वंस में आया, आया कि नहीं आया। अब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे, तो हमने जब इसको ऐड करेंगे तो 9 + 4, 9 के बाद प्लस करो, 9 के बाद 10 11 12 13 + 1, 13 के बाद 14, आंसर आ गया 14, ऊपर 1, ठीक है। तो 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा ना, और यहाँ भी 8 है, तो 8 2 16, क्योंकि 8 + 8 करिए, देखिए 16 आंसर आएगा, तो 8 2 16, 16 के बाद 17 18, तो 1 8 18, 3 + 1 4, 5 6, आंसर 6, 6 + 2, 6 के बाद 7 8 8, जो भी डिजिट है बस उसके आगे कंटिन्यू करो, बस उतने डिजिट्स, ठीक है। आपका लास्ट बाकी दो सेम है, जो लास्ट डिजिट है देखिए, इसमें भी यहाँ पे लास्ट में 100 को शो कर रहा है, 10s को शो कर रहा है, 1s को शो कर रहा है, 2 डिजिट्स, तो अब आपको पता चल गया ना, जब भी आप लिखोगे तो पूरा बोल के लिखोगे 800, जैसे 2319, 876, 145, इस तरह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रीग्रुप द नंबर्स एंड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज दिया है, चेंज क्या है, फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है 5 10s and 15 1s, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 5 10s 15 1s। अब 5 को हमने 10s में नोट डाउन कर दिया, 15 को हम 1s में तो नहीं नोट डाउन करेंगे, दो हमारी 2 डिजिट हो रही हैं, तो हम यहाँ पर 1 को 10s में करेंगे और 5 को 1s में करेंगे, और अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हमेशा 0 यूज़ करते हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5 + 1s, क्या टोटल आ गया, आंसर हमारा निकल आया 65, सेम एज इट इज। सेकेंड वाला देखिएगा, इसमें 19 10s है और 13 1s है, अगेन लिखते हैं TO2,
तो पहले लिखेंगे 19 टेंस है और 13 वंस है, तो वंस है सिंगल में तो जाएगा नहीं, वंस हो गया, ऐड हो गया। अब इसको आंसर करेंगे 9 + 3, 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 12, 1, 2 और ये ऊपर 3 हो गया आंसर। अब हम इसमें कौन सा वाला करते हैं, थर्ड कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 355 वंस तो फिर वापस से 100 है तो 100, 300, 355 वंस, तो टेंस भी शो हो रहा है और वंस भी शो हो रहा है, ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 5, 5 and 3 आंसर आ गया, 355 आंसर आया। चलिए अब हम करते हैं इसमें ई वाला करते हैं, ठीक है। ई वाले पोर्शन में हमने इसको नोट कर दिया, बट सॉरी मैंने डिजिट दूसरी नोट डाउन कर दी थी, एफ की कर दी थी, ठीक है। तब यहाँ पर आ रहा है 1325 टेंस और 19 वंस। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो हमारी ये डिजिट्स हैं ये हमारी किससे जाएंगी, जो मेन हेडिंग दे रहा है। जैसे कि हमने 19 लिखा तो 9 तो हमारा वंस में जा रहा है, बट हमारा टेंस किस में जा रहा, वन किस में जा रहा था, टेंस में जा रहा था ना। अब यहाँ अगर 5 हमारा टेंस में जा रहा है तो 2 हमारा किस में जाएगा, 100 में जाएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर 3 अगर 100 में है तो 1 क्या होगा, डेफिनेटली 1000 में पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ पर 1000 से शुरू करेंगे। अभी हम आपको कुछ और डिजिट्स देंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, वंस है सबसे पहले 1300, तो 13 में 3 तो हमने 100 पे नोट डाउन कर दिया क्योंकि 100 को शो कर, बट 1 हमारा यहाँ अब आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो क्या है, 25 टेंस, तो टेंस में जो 5 है वो हमने यहाँ शो कर दिया और 2 हमारा 100 में आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ 19, तो 9 हमारा वंस में आएगा, 1 हमारा टेंस में आ गया, बाकी जो पोर्शन बचता है उसमें 0 कर दिया जाएगा, आगे नहीं होगा, मुझे पीछे 0 करना, ऐड 9 सिंपल, 5 + 1 = 6, 2 + 3 = 5 and 1 also आपका आंसर निकल आया, है ना, बहुत ही सिंपल है। एक और देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 13 है, हमने कर दिया 6200, 31 tens और 15 ones, ठीक है। अब वापस से करेंगे, समझ में आया, ये अंडरलाइन कर लो, ये हमारे इसी डिजिट में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 1000, 100, 10, 1, अब 2 हमारा 100 में आना चाहिए तो 100 में 2, तो 6 हमारा कहाँ जाएगा, 1000 में। अब 3 हमारा किस में आना चाहिए, टेंस, तो टेंस में, अब से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कर दो। सेकेंड रो पे आते हैं, सेकेंड रो में क्या है, 3 हमारा टेंस में होना चाहिए तो 3 हमारा टेंस में आया, सॉरी 1 हमारा टेंस में होना चाहिए तो 1 हमारा टेंस में आया और 3 हमारा अबव हो गया तो इधर पे हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई, 0 लगा के एंड किया इस रो को। अब नेक्स्ट रो 15 है, तो 5 हमारा वंस पे आया और 1 हमारा किस पे गया, टेंस पे गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 5, 1 + 1, 2, 3 + 2, 5 and 6 आंसर आ गया, है ना सिंपल। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा फोकस सही किया तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो ये अब आपको वर्क कंप्लीट करके सेंड करना है।